हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज आप हम आपके लिए लाए हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी लेवल पे है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में मदद करेगा। अब हम आज पार्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। एक एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, इसको बोलते हैं वैलेंसी। लेट अस टेक अ वन एग्जांपल ऑफ वाटर, H2O। ये बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन गेट कंबाइन विद द टू हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2। दिस हाइड्रोजन गेट कंबाइन विद द वन ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर दिस हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1। हियर दिस हाइड्रोजन इज आल्सो कंबाइन विद द वन ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर दिस वैलेंसी इज 1। तो क्लास व्हाट डू मीन वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज कभी नहीं होता। इट इज ओनली अ नंबर। इट इज अ व्हाट डू मीन बाय दिस वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट? इज अ डिफाइंड एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को अगर हमें देखना है, तो हाइड्रोजन वैलेंसी 1, हीलियम वैलेंसी 0। क्लास क्यों हीलियम की 0 होती है? क्योंकि ये नोबल गैसेस होती हैं, और नोबल गैस को किसी से कंबाइन होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। वैलेंसी क्यों एटम्स करता है? टू बिकम अ स्टेबल, अपने आप को स्टेबल होने के लिए। लिथियम एज 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, देन ऑक्सीजन 2, फ्लोरिन 1, नियॉन अगेन वी हैविंग अ नोबल गैस। नोबल गैस को अनदर नेम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, दैट इज अ नॉन रिएक्टिव गैसेस। उसको कंबाइन होने की जरूरत नहीं है, दे आर दी स्टेबल गैसेस होती है। ओके, सो नाउ सोडियम इज 1, मैग्नीशियम इज 2, एल्युमिनियम इज 3, सिलिकॉन इज 4, फॉस्फोरस इज 3, सल्फर इज 2, क्लोरीन इज 1, आर्गन इज 0, के इज 1 और सी ए इज 2। लेट अस टेक, अगर हमने कहा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो सी एल की भी 1, तभी तो एच सी एल। सी एल को कंबाइन होने के लिए एक एलिमेंट चाहिए स्टेबल होने के लिए, और एच को भी कंबाइन होने के लिए एक एलिमेंट चाहिए स्टेबल होने के लिए। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। कैन आई हैव दिस ऑक्सीजन? वाटर बना रहा है, 2 चाहिए इसको। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो नाउ केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी से आप कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हो, और केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? क्लास किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना, व्हाट डू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला? रिप्रेजेंट द कंपाउंड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। उसका कौन सा सिंबल प्रेजेंट है, कितना एटम प्रेजेंट है, तो ये एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। हमने जैसे बोला कि वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो यानी कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का H लिखेंगे, ऑक्सीजन का O लिखेंगे, टू एटम्स ऑफ H गेट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल, एंड दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला, दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर कंपाउंड। ओके, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? वाटर का है। ओके, तो ये फॉर्मूला बनते कैसे? इनके लिए कुछ रूल्स है, दे आर हैविंग अ रूल्स। What are the rules? Step 1, जो भी आपके पास एलिमेंट है उसकी आपको सिंबल पता होना चाहिए और उसका वैलेंसी पता होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूल बना सकते हो, और आपके पास क्रिस क्रॉस करके मॉलिक्यूल बनता है। लेट अस टेक एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए क्लास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, दिस इज कैल्शियम और दिस इज हाइड्रोक्साइड। ओके, हाइड्रोक्साइड इज अ पॉलीवेलेंट, अगर हम बात करते हैं तो पॉलीवेलेंट आयन है। आपके पास जो आयन होता है, बट उसका चार्ज हटा के आप वैलेंसी काउंट कर सकते हो। हमने बोला OH पे कितना चार्ज होता है? -1, तो यू कैन अज्यूम OH की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। ओके, तो CA हैविंग अ 2, CA की 2, OH की 1, तो when we are going to cross multiply, the formula is CaOH का whole twice. Step 1, जिसके बीच का आपको फॉर्मूला बनाना है, आपको उनका सिंबल पता होना चाहिए। स्टेप 2, उनकी वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी नीचे लिख के क्रिस क्रॉस करके यू कैन इजिली प्रिपेयर द फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला बना सकते हो। क्लास कैन आई हैव सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी SO4 2 माइनस। ओके,
सल्फेट हैविंग अ 2 माइनस चार्ज, उसका माइनस हटाओ और उसकी वैलेंसी यू शुड काउंट, उसका माइनस हटाओ और उसकी वैलेंसी लिखो 2. ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला. तो व्हाट यू विल बिकम, व्हाट द फॉर्मूला फॉर Na2SO4, उसका फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4. डिड यू गेट माय पॉइंट? तो आप कभी भी वैलेंसी पे चार्ज नहीं देखते हैं, हमेशा यहाँ पर चार्ज प्लस 1 है तो उसकी वैलेंसी 1, यहाँ पर सल्फेट है चार्ज माइनस 2 तो उसकी वैलेंसी 2. ओके, तो वैलेंसी डज नॉट हैव इन चार्ज, बट चार्ज अगर है आप उसमें प्लस माइनस साइन हटा के उसकी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करा सकते हो. ओके, now you have some practice problem, write down the formula of following molecules. Sodium oxide, can I have one, first is sodium oxide, hamare paas next hai sodium oxide. Sodium is Na, oxygen is O, kyunki sodium aur oxygen ke beech mein banana hai formula. Na ki 1, this 2, what is the formula? Na2O. Okay, aluminium chloride, Al ki, what is Al? Aluminium is Al. Chloride, chlorine ki 1. आपको पता है chloride, why I have written? यानी कि तुमको पता है chloride पे minus का charge होगा. अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा 1 या 2. तो its chloride is a 1, aluminium 3. तो what is the formula become? It will be AlCl3. Okay. Sodium sulfate we have done already. Magnesium hydroxide. Third is हमारा, which one is there? Magnesium hydroxide. Magnesium की valency कितनी होती है? 2 होती है. Hydroxide की 1. So the formula become MgOH का whole twice. तो जब कभी polyvalent ion होता है, तो आप उसको इस type से bracket में count कर सकते हो. Okay? MgOH का whole twice. जब पूरे उस पे twice लग रहा है. Okay? One more you can write. Suppose I am writing, if I am writing ammonium sulfate. One more example you need to do. Ammonium sulfate. Ammonium is what? NH4. They have 1. Sulfate is what? SO4. 2. The formula become what? NH4 ka whole twice. SO4. ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि आपके पास NH4 पे पूरे पे 2 आएगा, क्योंकि सल्फेट पे यहाँ पर 2 है. ओके, तो आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर पॉलीवेलेंट आयन को अगर वो 2 या 3 काउंट में आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग बंद करते हैं. ओके, नाउ कम डाउन टू मॉलिक्यूलर मास. कोई भी मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास को सिंपली ऐड करना पड़ेगा. सो इट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन योर मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल सबको पता है होता क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, इधर बाय द सेम एटम और बाय द डिफरेंट एटम. अगर सेम एटम के कंबाइन होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं, और अगर डिफरेंट एटम्स के कंबाइन होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड बोला जाता है. ओके, सो हम कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास को? मॉलिक्यूलर मास को सिंपली निकालने के लिए वी हैव H2O. हमने आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिया H2O. सो वॉट इज H? H कैरी 1, यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन हैव 16. So, हमारे पास H2O, it will be 2. So, what is the formula? 16 plus 2 is equals to the 18. जितने atom होते हैं, सब का count होता है. In water, there are the 2 atoms of hydrogen. इसीलिए सब का count तुम लिखोगे molecular mass निकालने के लिए. And it is also hydrogen का जो mass होता है 1, और oxygen का जो 16, वो relative mole mass है. So, therefore, जो mass, molecular mass भी निकलता है, it is a relative molecular मास, क्योंकि हम सारे एटम का मास कैसा ले रहे हैं, रिलेटिव. तो यहां पर भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिफाइड मास. इसको क्या बोलते हैं, 18 यूनिफाइड मास. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, द एटॉमिक मास ऑफ H, द एटॉमिक मास ऑफ N इनटू 3 इनटू एटॉमिक मास ऑफ O. सपोज See, suppose we have HNO3. हमारे पास HNO3 है. 1 H weight 1, 1 nitrogen weight 14, 1 oxygen weight 16. तो can I have, there are the 3 oxygen atom. तो it will be 16, 3 is 48. So 48 plus 14 plus 1, it will be 63U. So what is that? 63 unified mass is the relative molecular mass of HNO3. Relative molecular mass of HNO3.
ओके चल नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज हमारा H2SO4, सेकेंड इज हमारा MgCl2, थर्ड इज हमारा HCl. ओके H2SO4 1H वेट 1, 2H into 2 प्लस सल्फर वेट 32, 1 ऑक्सीजन वेट 16, तो इट विल बी हाउ मच इनटू 4, बिकॉज़ देयर इज अ 4 ऑक्सीजन एटम, तो इट विल बी 16 इनटू 4, द होल ऑफ द बिकम 2 प्लस 32, 16 इनटू 4 64, तो व्हाट इज बिकम, इट विल बी 98 μ. ओके मैग्नीशियम इज हाउ मच 24 μ प्लस Cl2 35.5 इनटू 2, तो 24 प्लस 71. ओके इट विल बी 95 μ. ओके तो क्लास ये आपके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी. 1H वेट 1, 1 Cl वेट 35.5, तो होल ऑफ द मॉलिक्यूल हैव 36.5 μ. क्लास आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप उसको कर लीजिएगा. ओके और ये आपके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, आप इसको एक बार फिर से रिकॉल करिएगा आराम से बैठ के कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं. ओके नाउ फॉर्मूला मास. क्लास मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास आर सेम. What is the difference in these two cases? Molecular mass is a molecule mass and the formula mass is a ions mass. Okay, so whenever the molecule formed by the ions, jab kabhi bhi aapka ions se banta hai, can I have Na plus or Cl minus? Okay, the whatever the compound is formed, that is formed by the ions. So jab kabhi bhi aapka koi bhi compound ions se banta hai, कोई भी फॉर्मूला आयन से बनता है, तो उसका मास निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला मास का यूज करते हैं. फॉर्मूला मास हम आगे पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग के लिए भी यूज करते हैं. जो भी मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं का मास निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला मास यूज करते हैं. जैसे सपोज Na की वैल्यू 23, Cl की वैल्यू 35.5, इट विल बिकम हाउ मच 58.5 यूनिफाइड मास. दिस इज अ यूनिफाइड मास ऑफ NaCl. अब इसको मोलर मास ना बोल के दिस इज अ रिलेटिव फॉर्मूला मास. व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट क्लास? रिलेटिव फॉर्मूला मास. ओके सब लोग कहते हैं कि मोलिकुलर मास फॉर्मूला मास सेम होता है, निकलता सेम तरीके से है, बट आपको देखना पड़ता है कि आपका मॉलिक्यूल कौन सा है. सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया CH4. CH4 जो है ये आपका मॉलिक्यूल है जो कि आयन से नहीं बना है, तो इसमें जब कभी भी कार्बन का वेट 12, 1H का वेट 4 इंटू 1, 1 होता है 4 है, तो इट विल बी 16 μ. तो क्लास ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया क्योंकि ये आयन से नहीं बना है. तो कोई भी मॉलिक्यूल आयन से नहीं बना होता है तो उसके एटम्स का सम करने पे हमको मॉलिक्यूलर मास निकलता है, फॉर्मूला मास नहीं निकलता है. अगर आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसी भी आयन से बना है तो उसके एटम्स का मास का सम करने पे यू विल गेट दी फॉर्मूला मास. क्लास ये आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपके मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाले थे वो हम लोग ने कवर किए हैं. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन.